बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। जी हाँ, जो पेपर होने वाला है अभी कल शायद होने वाला है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों का सोशोलॉजी का पेपर है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पढ़ के जाना, बाकी कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इन क्वेश्चनों को रट लेना, बाकी आपके बुक नोट्स जैसे थोड़ा दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है पढ़ते हुए याद करते हुए, तो आप हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्सों को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है paperhacker.in। जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वो इस तरीके से खुलेगी, जो वेबसाइट है वो इस तरीके से खुलेगी। देखिए इस तरीके से खुलेगी, आप वो थोड़े से नीचे जाकर आप अपने जो बीकॉम के बीएससी के बीए के स्टूडेंट है तो बीए सेकंड सेमेस्टर पर टच करना है। सेकंड सेमेस्टर पर टच करने के बाद में यहाँ आपको देखो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ड्राइंग का, साइकोलॉजी का, उर्दू का, ठीक है, डिफरेंस स्टडीज का, होम साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जितने भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि सोशोलॉजी का भी आपको देखने को मिलेगा, जियोग्राफी का, इस तरह हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ठीक है, संस्कृत का, सोशोलॉजी देखो आगे यहाँ टच कर देना, सोशोलॉजी का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, इस तरीके डाउनलोड कर लेना है। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं कौन कौन से क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है यदि आपके पास नोट्स पहले से हैं, क्योंकि आप 2022 में 85% प्लस लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा पेपर यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाव। गाव का मतलब क्या होता है? मतलब ब्लेज की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके प्रकार। ब्लेज के कितने प्रकार होते हैं, विशेषता, ये आप याद करके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कस्बा किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है। नगर किसे कहते हैं, उसकी विशेषता, अवधारणा पढ़ लो, बस काम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंस रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण किसे कहते हैं, पढ़ के जाना, राष्ट्रीय एकीकरण। लॉन्ग और शॉर्ट की परवाह मत करना कि सर लॉन्ग कौन सा आएगा, शॉर्ट कौन सा आएगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन दो तीन भागों में, देखो शॉर्ट के दो या तीन क्वेश्चन एक साथ रख देता है ना क्वेश्चन एग्जामर, तो आपको वो लॉन्ग बन जाता है भाई, याद रखिए। यदि उसने कह दिया गाँव क्या होता है, उसकी विशेषता प्रकार बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएगा। यही बता दे कस्बा विशेषता नगर की परिभाषा, इनमें अंतर बता दो, लॉन्ग फंसेगा। इस तरीके से आपको याद करना है, क्वेश्चन यही करना है आपके बुक में। यदि लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग पढ़ लो, शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट पढ़ लो, बात खत्म। उसके बाद में है यहाँ भारत की यह भाषाई विधियाँ, ठीक है, उनकी उत्पत्ति, मतलब कह रहा है कि जो भारत के अंदर जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं, जो बोली जा रही हैं, उनमें कौन कौन सी भिन्नता, अंतर क्या है, और भाषाओं की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है ये बता दो। उसके बाद में है धार्मिक विश्वास क्या होता है, धार्मिक विश्वास को देख लेना है। और यहाँ है विश्वासों का हिंदू जीवन पर क्या महत्व पड़ता है, देखो जो विश्वास करते हैं उस पर हिंदू जीवन में क्या महत्व है ये आपको देखना है, ठीक है, क्या महत्व है ये भी आपको देखना है कि हिंदू के जीवन में विश्वास का क्या महत्व है और धार्मिक विश्वास क्या होता है। जैसे कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, अल्लाह है, शिव भोले शंकर है, तो ये क्या है, विश्वास ही तो करते हैं, भगवान है, आपने देखा है कभी भगवान को, नहीं, तो वो चीज़ है, ठीक है, जब नहीं देखा है तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ वो है, ठीक है, तो ये चीज़ है। वहीं आपको जाति प्रथा किसे कहते हैं, जाति की परिभाषा, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ लेना, जाति कहते कैसे हैं और जाति प्रथा क्या होती है, ठीक है। धार्मिक विविधता के बारे में देखो, भारत में धार्मिक विविधता के वर्णन, मतलब कि धार्मिक जो विविधता है, धर्मों के जो भिन्नता, मतलब धर्मों में भिन्नता विविधता कहलाती है। जैसे कि आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक अल्लाह पता नहीं कौन कौन से हैं, तो वो धर्मों में क्या विभाजित कर दिया गया है, तो धार्मिक विविधता के बारे में वर्णन कर देना, बना बना के लिख दोगे कुछ नहीं है इसमें यार। परिवार संयोजन क्या होगा, संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट परिवार, जिसमें आपको क्या है, आप मान लीजिए आपके पापा चार भाई थे, ठीक है, आपके पापा कितने थे, चार भाई थे, चार भाई के कितने थे, चार चार थे, ये क्या है, सब सादे में खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। इसके कार क्या होते हैं, वो आप कार के बारे में बना बना के लिख दो। हिंदू विवाह जानते हो, इस पर निबंध लिख दो, हिंदू विवाह, अरे हिंदू किस तरीके से विवाह करता है। मुस्लिम विवाह, मुसलमान लोग किस तरीके से विवाह करते हैं, जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं उन क्वेश्चनों को मत देखो, काम खत्म, जो बता रहा हूं भाई पढ़ लो, मुसलमान कैसे विवाह करते हैं, हिंदू कैसे विवाह करते हैं, इनके बारे में पढ़ लो। सामाजिक वर्ग क्या है, देखो सोशल क्लास क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी विशेषता के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। दलित, दलित से क्या अभिप्राय, दलित किसे कहते हैं, उनकी समस्याएं, दलित लोगों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, वो आपको बताना है। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे ओबीसी हम लोग आते हैं ओबीसी में, ठीक है, तो वो सब अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में आपको डिस्कस कर लेना है। भारत की जनजाति नीति क्या होती है, जनसंख्या नीति के बारे में, देखो भारत की जनसंख्या नीति क्या है, उसके कारण क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। जनसंख्या वृद्धि भी आपसे पूछेगा। जनसंख्यात्मक कारक, मतलब जनसंख्या के कारण क्या है, जनसंख्यात्मक जो कारक होता है वो, सामाजिक परिवर्तन के महत्व बताइए, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको।
और यह है मत जनसंख्या, जनसंख्या इसको देखो राष्ट्रीयकरण जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, विशेष क्षेत्रवाद को छोड़े क्षेत्रवाद की अवधारणा, ये क्षेत्रता की अवधारणा को पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ये वाला क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के जाना क्षेत्रीय अवधारणा के बारे में। जाति एक बंद वर्ग है, आप इसको देख के जाएंगे। और ये जो नक्सलवाद देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो सोशियोलॉजी का पेपर आपका क्लियर हो गया, समाजशास्त्र का पेपर बस इतना आप पढ़ेंगे, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 4 तारीख को आपको होने वाला है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर, काम हो जाएगा यहीं से। पेपर जैसे ही होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत सेंड करेंगे, पेपर होते ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत सेंड करेंगे आप सभी लोग, पहले तो ये बताइए, तुरंत सेंड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।